आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में तो मैं सबके लिए देखिए एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ जो कि इसे बनाना बहुत ही इजी है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है तो ये बूट टाइप की बनेगी और देखिए इसके लिए मैंने कितनी नंबर की नीडल ली हुई है मैंने यहाँ पर दस नंबर की सिलाई ली हुई है शायद कैमरे में फोकस ना हो रहा और यहाँ जो नॉर्मल आपकी वूल होती है फोरप्लाई वो ले लें आप और इसमें मैंने फंदे डाले हुए साठ यानी सिक्सटी फंदे डाल के रखे हुए मैंने इसमें सिक्सटी फंदे डालने के बाद देखिए मैंने दोनों कलर से आठ आठ लाइनें बना के कंप्लीट की हुई है देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ और रेड वाली से भी मैंने आठ बनाई है तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ और जब इतनी बुनाई हो जाए हमारी यानी सोलह धारियाँ यानी सोलह दोनी बत्तीस लाइनें हमने कंप्लीट की हुई है सीधी उल्टी दोनों तरफ से दो लाइन बुनते हैं तो हमारी एक धारी बनती है इसी तरह से हमने सोलह लाइनें बना के कम्प्लीट की हुई है तो चलिए अब किस तरह से आगे बनाना है वो देख लीजिए तो ये मेरे सीधे साइड से उल्टे साइड से मैं रेड कलर को काट दूंगी और यहाँ से ब्लू कलर से एक ही कलर से आगे की बुनाई करेंगे हम तो यहाँ से दोनों साइड हम आठ आठ फंदे पहले हम घटा लेंगे ब्लू कलर से ही लेंगे हम इस तरह से लेंगे दो का पहले एक करेंगे आठ फंदे घटाने हैं एक हो गया इसको घटाएंगे दो तीन ये हो क्या चार पांच छ सात और ये आठ आठ फंदे हमने बुन लिए, यानी आठ फंदों को हमने घटा लिया अब जितने भी पंदे सभी को नॉर्मल हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे फिर दूसरी लाइन आएंगे फिर यहाँ पे हम आठ फंदे घटाएंगे तो इसी तरह से ये लाइन पूरी कर लेते हैं फिर दिखाते हैं दूसरी लाइन में तो देखिए उल्टी साइड से हमने यहाँ फंदे घटाते हुए पूरी लाइन उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया अब आ गए सीधे साइड सीधे साइड भी हम आठ फंदों को यहाँ पे घटाएंगे हम इस तरह से ले लेंगे दो फंदे एक करते हुए हम घटाएंगे यहाँ पे पहले दो फंदे ले लेंगे एक बार हो गया ये ये दो तीन चार पच सात और ये आठ आठ फंदों को हमने यहाँ पे बंद कर लिया उसके बाद जितने भी फंदे हैं सभी को हम यहाँ से उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट कर लेंगे अब कहीं भी फंदे में घटाने नहीं है अब इसी तरह से करते हुए हमें बीस लाइनें कंप्लीट करनी है ये लाइन छोड़ते हुए हम बीस लाइनें और कंप्लीट कर लेंगे अठारह से बीस लाइनें कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि इसमें अंगूठा कैसे निकालना है आपको और पंजे कैसे निकालेंगे तो इसी तरह से करते हुए चलिए ये लाइन पूरा हम यहाँ तक कम्प्लीट कर लेते हैं लास्ट तक और इसके बाद अठारह से बीस लाइनें कम्प्लीट करूँगी उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि आगे अंगूठा कैसे निकालना है तो देखिए इसकी बुनाई हमने यहाँ से यहाँ तक बेस लाइनें कम्प्लीट कर ली है सीधे तरफ से सीधे उल्टी तरफ से उल्टे आप चाहे तो दोनों साइड से उल्टे उल्टे ही बना सकती हैं तो मैंने यहाँ पे इधर सीधा और इधर उल्टा करके इसमें कम्प्लीट किया है तो अब देखिए किस तरह से बनाना हमें अब यहाँ से पंद्रह फंदों को हम यहाँ से बुनेंगे सीधा सीधा एक पहले हम अंगूठा निकालेंगे दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह ये बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह पंद्रह फंदे हमने अंगूठे के लिए रखा है अब ये पंद्रह फंदों को हम देखिए चौदह से पंद्रह लाइन कंप्लीट करेंगे पहली लाइन हमारी हुई अब यहाँ से इस फंदे को यहाँ छोड़ देंगे इधर अब हम पंजे के लिए बनाएंगे और इधर पलट जाएंगे अब यहाँ से इसी धागे इसी से लेके हुए हम इसकी बुनाई करेंगे तो उल्टे तरफ से उल्टा बना लेंगे इन पंद्रह फंदों को तो इसी तरह से दोनों साइडें सीधी उल्टी करते हुए हम पंद्रह लाइनें कम्प्लीट कर लेते हैं उसके बाद आगे दिखाते हैं आपको तो चलिए पंद्रह लाइन कंप्लीट कर लेते हैं इन पंद्रह फंदों को पंद्रह लाइन कंप्लीट करेंगे सीधे तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे यहाँ से देखिए हमारी फिफ्टीन लाइन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गई अब देखिए फंदे घटाने का तरीका क्या है एक साथ चार फंदे लेंगे हम इस तरह से एक दो तीन और ये चार चार फंदे हमने लिए और पीछे साइड से हम चार फंदों का एक फंदा कर देंगे इस तरह से लेंगे और चार फंदों का एक फंदा कर देंगे हम इस तरह से लेना है हमें चार फंदों का एक फंदा करेंगे हम फंदे भी टाइट है थोड़े तो निकल जाएंगे इस तरह से अब यहाँ से हम बुनेंगे लास्ट के चार फंदे तक छोड़ देंगे एक दो तीन चार और यहाँ से देखिए बीच में तीन तीन छः एक सात फंदे बुनेंगे हम इस तरह से तो यहाँ से सात फंदे पहले बुन लेते हैं एक दो यहाँ पे डालेंगे तीन चार और ये पांच पांच फंदे हमने बुन लिए एक फंदा और बुनेंगे सॉरी छ और ये सात सात फंदे हमने बुन लिए सात फंदे बुनने के बाद देखिए अब जो चार फंदे हैं वैसे पीछे साइड से हम चार फंदों का एक फंदा कर देंगे इस तरह से चार फंदों को लेंगे और पीछे साइड से चार का एक कर देंगे हम यहाँ पे इस तरह से अब देखिए उल्टे फंदे सारे जितने हैं सभी को उल्टा बना लेंगे हम इस तरह से हम ले लेंगे सिक्सटीन लाइन लेंग में हमने सारे फंदे को घटाया वहां दोनों साइड चार चार फंदे लेके और यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए सारे फंदे को अब यहाँ पे हम सुई पे उतार लेंगे इस तरह से सारे फंदे को एक एक करके सुई पे उतारना हमें ऐसे ले लेंगे सभी फंदे सुई पे उतारेंगे हम इस तरह से सुई पे उतार लेने के बाद देखिए ये फंदा जो है इसके अंदर से इस सुई को इस तरह से निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारी ये गोलाई बन जाएगी देखिए इस तरह से गोलाई आ जाएगी गोलाई आने के बाद इसे अब हम यहीं पे छोड़ देते हैं अब इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक तो होगी तो पहले हम अंगूठे छोड़ देते हैं उसके बाद आगे की सिलाई इधर कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको तो देखिए अंगूठे को बाद में हम सिलेंगे अब यहाँ से हम पंजा बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे कितने फंदे बच गए हैं दो दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस और एक उनतीस, उनतीस फंदे रह गए हमारे पास यानी ट्वेंटी नाइन फंदे हमारे यहाँ पे हैं अब देखिए पहली लाइन इसकी पहली लाइन सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे हम और दूसरी लाइन उल्टा उल्टा उसके बाद तीसरी लाइन पे हम फंदे घटाना शुरू करेंगे इसमें तो पहली लाइन हम सारे फंदों को सीधा बना लेते हैं जितने भी हमारे पास फंदे हैं सभी को सीधा बनाना है आपको और दूसरी लाइन उल्टी तो चलिए दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं फिर तीसरी लाइन से आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे फंदे आपको घटाने हैं तो चलिए पहली लाइन कंप्लीट करते हैं सीधा और दूसरी लाइन उल्टा अब देखिए यहाँ से हम सीधे साइड आ गए दो फंदा पूरा करने के बाद अब यहाँ से पहला फंदा उतारेंगे और यहाँ से बारह फंदे बुनेंगे हम पहला फंदा जो उतारे उसे भी इसमें काउंट कर लेना तो दो हो गया ये तीन चार पाँच सात, ये आठ फंदे हमने बुना नौ दस ये ग्यारह और ये बारह तेरह तेरह फंदे हमने इधर बुने और तेरह फंदे इधर छोड़ देंगे और बीच में तीन फंदों को हम देखिए किस तरह से बुनेंगे पहला फंदा उतारेंगे बीच का फंदा आगे लाएंगे हम और जो ये इस तरह से इसे कर लेना है अब इन तीन फंदों का पीछे तरफ से एक फंदा कर देंगे हम ऐसे फिर से देखिए अब जितने भी हमारे पास तेरह फंदे बचे हुए हैं सभी को हम उल्टा उल्टा सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे और उल्टे साइड से कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे उल्टे साइड से सारे फंदे को उल्टा बना के कम्प्लीट कर लेंगे तो चलिए ये लाइन कम्प्लीट कर लेते हैं और उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बना लेते हैं उसमें कोई फंदे नहीं घटाएंगे हम तो देखिए अब सीधे साइड आ गए सीधे साइड अब फंदा घटाएंगे हम तो पहले अब पहली लाइन में हमने बारह तेरह फंदे बुनने के बाद फंदे घटाए थे अब इस लाइन में हम बारह फंदे बुनेंगे उसके बाद फंदे घटाएंगे तो देखिए पहला फंदा उतार लेंगे यहाँ से हम ये दो हो गया तीन चार पच सात, आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह फंदे हमने बुन लिए अब देखिए जो बीच का फंदा दिख रहा होगा आपको ये बड़ा सा इसमें चेंज जैसा दिख रहा होगा इस फंदे को पहले हमें खोलना है इस तरह से ये फंदा आगे लाना है ये बीच का फंदा हो गया एक इधर से लेंगे और एक इधर से फंदा लेंगे और ये वाला फंदा पहले आगे लाएंगे और ये वाला फंदा पीछे लेके चले जाएंगे आगे का फंदा पीछे और बीच का फंदा आगे ले आएंगे इस तरह से अब इन तीन फंदों को एक साथ मिलाते हुए पीछे साइड से हम तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे इस तरह से अब देखिए ना जितने भी फंदे बचे हैं हमारे सभी को हम बारह फंदों को सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा फंदा बना के कंप्लीट कर लेंगे उल्टी साइड से कोई भी फंदा हम नहीं घटाएंगे फिर हम सीधे आएंगे फिर घटाएंगे तो चलिए कर लेते हैं ये लाइन कंप्लीट करते हैं और दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए सीधा फंदा भी हमने बुन लिया और उल्टा फंदा भी हमने बनाते हुए कंप्लीट कर लिया सारी लाइनें अब यहाँ पे सीधे साइड फिर से आ गए अब यहाँ पे हम ग्यारह फंदों के बाद यहाँ पे हम फंदे घटाएंगे तो देखिए किस तरह से पहला फंदा उतार लेंगे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये ग्यारह देखिए अब जो बीच का फंदा आपको दिख रहा है इसे आगे लाना है और ये वाला फंदा पीछे लेके जाना है तो पहले ये वाला फंदा इस तरह से ले लेंगे स्लाई पे और ये स्लाई में से धागे को निकाल फंदे को निकालना है पीछे लेके जाना है और ये वाला आगे लेके आएंगे इस तरह से अब इसे ये दो फंदे और एक पीछे से ले लेंगे तीन तीनों को एक साथ हम इस तरह से घटा देंगे पीछे की ओर से ऐसे लेना है आप पीछे सिलाई ले जाते हुए तीन फंदों का एक फंदा कर देंगे हम यहाँ पे अब जितने भी फंदे हमारे इधर ग्यारह फंदे बचे हुए हैं सभी को हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टे साइड से उल्टी लाइन भी हम उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं अब देखिए सीधे साइड आ गए उल्टी लाइन बनाते हुए अब यहाँ पे देखिए अब दस फंदों के बाद हम यहाँ पे घटाएंगे फंदे चार बार ही हमें फंदे घटाने हैं तो दो बार हमने घटाए हैं तीन बार घटा चुके हैं ये चौथा बार है एक बार तेरह फंदे के बाद हमने बटा घटाया सॉरी एक बार बारह फिर एक बार ग्यारह अब दस के बाद हम घटाएंगे यहाँ पे तो देखिए कितने हो गए तीन तीन छः एक सात आठ नौ और ये दस दस फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए अब देखिए बीच का फंदा दिख रहा होगा आपको ये जो फंदा दिखता है इसे पहले लाना है हमें और ये जो पहला फंदा इसे हमें बीच में लाना है तो कि देखिए किस तरह से ये अला फंदा बीच का फंदा पहले हम इस तरह से ले लेंगे और आगे वाला फंदा बीच में लेके चले जाएंगे इस तरह से अब देखिए एक दो और ये एक पीछे से ले लेंगे तीन तीनों को एक साथ बुन लेंगे हम इस तरह से तीन फंदों का एक फंदा कर दिया हमने यहाँ पे अब जितने भी फंदे हमारे इधर बचे हुए हैं सभी को हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे और उल्टे साइड से हम उल्टे सारे बना लेंगे लाइनें तो चलिए इसी तरह से कर लेते हैं और उल्टी साइड से भी उल्टा फंदा बना लेंगे कोई भी फंदे नहीं घटाने इस राउंड में तो देखिए सीधे साइड आ गए तो सीधे साइड से भी हम सीधे सारे फंदे निकाल लेंगे यहाँ पे कोई भी फंदे अब नहीं घटाएंगे तो टोटल हमारे पास फंदे कितने बच गए हमारे पास ट्वेंटी नाइन फंदे थे अब देखिए कितने बच गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एट्टीन नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन यानी ट्वेंटी वन फंदे हमारे पास रह गए हैं यानी टोटल हमने एट फंदे यहाँ पे हमने बंद किए हुए अब देखिए यहाँ से किस तरह से करना है ये लाइन पूरी हम सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेंगे और उल्टे साइड से भी उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते चलिए तो दो से तीन लाइनें और हम इसकी बुनाई कर लेते हैं उसके बाद सारे फंदे को बंद करेंगे तो देखिए फंदे घटाने के बाद मैंने तीन लाइनें यहाँ पे बना ली है सीधे साइड से सीधी उल्टे साइड से उल्टी और सीधे साइड से भी सीधी तो तीन लाइनें हमने इसमें बुन ली है अब देखिए उल्टे साइड से फंदे को हम घटाएंगे तो दो का एक करते हुए फंदे को घटा लेंगे हम इस तरह से दो फंदे किए फिर ऊपर से चढ़ाएंगे इसमें फिर से दो का एक किया फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंगे इसी तरह से सारे फंदे को हम घटा लेंगे उसके बाद दिखाते आगे आपको इस तरह से घटा लेते हैं पहले तो देखिए सारे फंदे को हमने यहाँ पे बंद कर लिया और यहाँ पे धागे को काट लिया अब देखिए किस तरह से सिलना है हमें ये हमारा उल्टा भाग है और सीधा तो इसे इस तरह से ऐसे कर लेंगे हम ऐसे रखना है इसे अब जहाँ से हमने ये फंदे को यहाँ से जो बंद करना शुरू किया था इसे यहाँ से फोल्ड करना है ऐसे बराबर करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे पहले तो यहाँ गोलाई में सिल लेंगे उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और फिर ये अंगूठा ऐसे जॉइंट करते हुए हम यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे फिर ये दो पार्ट सिलेंगे तो देखिए किस तरह से तो चल शुरू करते हैं इसे सिलना हम पहले पहले हम यहाँ पे अंगूठा सिल लेते हैं ऐसे रखेंगे इसे पहले यहां से यहां तक सिलते हैं जैसे नॉर्मल हम सिलाई करते हैं बस उसी तरह से आपको सिलाई करना है इसमें यहां से यहां तक सिल लेते हैं अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसे सिलाई कर ली अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे इसकी यहाँ से नीचे तक लाएंगे और इसे वापस में पकड़ेंगे यहाँ भी सिलाई करना है हमें और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे उसके बाद ये छोर सिलाई करना है आपको और ये भाग खुला रखेंगे अब यहाँ आप ये थोड़ी सी लूज़ रहेगी इसलिए यहाँ पर आपको डोरी डालना है सबसे पहले तो आप यहाँ पर चाहे तो क्रोसिया से काम कर सकती हैं या फिर आप ऐसे इसमें डोरी डाल दें तो चलिए यहाँ से यहाँ तक सिल लेते फिर आगे दिखाते हैं आपको हम यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर ली है ये भाग खुला छोड़ना है सॉरी ये भाग सिलना है हमें ये नीचे से जो दिख रही है आपको यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे हम इस तरह से लेना है हमें तो चलिए यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे और ये भाग जो है ये खुला रखेंगे हम तो देखिए यहाँ पे हमारी सॉक्स की सिलाई हो गई यहाँ से यहाँ तक और पीछे इदर से हमने इधर से इधर सिलाई कर दी तो अब इसमें कितनी ग्राम ऊन लगी है वो भी मैं आपको बता दूं तो पहले इसे सीधा कर लेते हैं और दिखाते हैं कि कितनी ग्राम ऊन लगी है इसमें तो देखिए यहाँ पे आप दिखाते हैं कि कितनी ग्राम ऊन लगी है इसमें ये हमने ऑन किया अब इसे रखेंगे यहाँ पे टोटल हमारी तेईस ग्राम ऊन लगी है इसमें इस सॉक्स इस को बनाने में तो चलिए इसे पहन के भी दिखा देते हैं कि पैर में किस तरह से लगी ये तो देखिए पैर में बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है ये ये छः नंबर पैर के लिए बहुत ही आराम से आ जाएगी है जब आप इसे बनाएंगे तो देखिए पैर में भी ऊपर तक भी आ गई है एडी से बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो यहाँ आप इसे लगा सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे डोरी भी लगा सकती हैं या फिर क्रोसेस से कोई काम इसमें कर दे तो बहुत खूबसूरत लगेगा साइड में डिज़ाइन डाल दें तो देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत बन के आई है बहुत ही आरामदायक है आप किसी के लिए भी बनाएँ तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें